हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और अपना जो पहला टॉपिक है दैट इज स्केल। व्हाट इज स्केल? अ स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लीनियर डिमेंशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग। ये जो है ना लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, टू द एक्चुअल डिमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ। इसका मतलब ये है कि स्केल जो है बेसिकली क्या, एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो है किसका बताओ, तो किसका बताओ यहाँ पे, लीनियर डिमेंशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग। ठीक है, हम जो यहाँ पे ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन मतलब टू द एक्चुअल डिमेंशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ। ठीक है, ड्राइंग में हम जो यहाँ पे दिखाएंगे है ना, वो अपने न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमेटर में क्या रहेगा, जो उसका एक्चुअल डिमेंशंस होंगे। ठीक है, एक्चुअल डिमेंशन से ड्राइंग जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो रेशियो है दैट इज नोन एज स्केल। ओके, नेक्स्ट जो आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन वो है टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो टाइप्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इम्पॉर्टेंट कौन सा आपको वही बता दूंगा मैं। तो पहला अपना होता है प्लेन स्केल, दूसरा अपना होता है डायगोनल स्केल, थर्ड अपना होता है कंपैरेटिव स्केल, फोर्थ अपना होता है वर्नियर स्केल, फिफ्थ अपना होता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, ये 5 टाइप के स्केल्स होते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो फ्रीक्वेंटली पूछता है वो आपको पूछेगा डायगोनल स्केल से। ठीक है, मान लीजिए पिछले 5 साल का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको 10 सेमेस्टर पेपर देखेंगे, तो 10 सेमेस्टर में हो सकता है 1 या 2 बार आपको प्लेन स्केल का पूछेगा, लेकिन बाकी जो 8 to 9 टाइम्स आपको जो पूछे दैट इज़ बेस्ड ऑन डायगोनल स्केल। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा डायगोनल स्केल पे, लेकिन कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं प्लेन स्केल से आपको भी बता दूंगा। तो इस वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।